वेलकम टू सोनिया गर्ल्स नेचुरल और आज का मेरी रेसिपी है शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा शाही चीज़ों के साथ ही अटैच किया जाता है, इसे रॉयल्टी के साथ अटैच किया जाता है, तो हम क्यों ना आज एक दिन रॉयल जिंदगी जीने की कोशिश करें बाय मेकिंग शाही टुकड़ा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद शाही टुकड़ा। शाही टुकड़े के लिए मैंने ये 6 पीस ऑफ ब्रेड लिया है और आधा कप चीनी लिया है जो मैं रबड़ी के लिए डालूंगी, इलायची पाउडर लिया है, ये बटर लिया है सजाने के लिए, ये मैंने पिस्ता बादाम लिया है और ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं रबड़ी में डालूंगी, जो है थोड़ा सा मिल्क पाउडर और कस्टर्ड। इससे फटाफट रबड़ी इंस्टेंट यदि आपको बनानी हो ये फटाफट बन जाती है। और गैस पे मैंने ये दूध आधा किलो दूध उबालने के लिए रखा है जो अब काफ़ी घट चुका है, और अब जब ये घट गया है तब मैं ये अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसमें डालूंगी। और यहाँ मैंने एक तार की चाशनी बनाने के लिए मैंने पानी रख दिया है। सो अब मैं इसमें दूध में अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाने जा रही हूँ। आपको लगे कि आपको जल्दी है और आपको इंस्टेंट रबड़ी चाहिए तो आप प्लीज़ ये वाला सीक्रेट इंग्रेडिएंट देखिए, मैंने इसको रूम टेम्परेचर में पानी में मिक्स कर दिया है और ये बन गया है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो रबड़ी इंस्टेंट रबड़ी बनाने में आपकी बहुत मदद करेगा। आप चाहें तो थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। फ्रेंड्स अब मैंने ये जो मिक्सचर बनाया था इसको मैंने रबड़ी में मिक्स कर दिया है और आप देखिए कितने इंस्टेंट ये रबड़ी बन जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसको किस तरह से तैयार किया है, क्योंकि कस्टर्ड डालने से तो इंस्टेंट इम्पैक्ट आ ही जाता है रबड़ी में। तो पर कस्टर्ड मैंने एक आधा से एक टीस्पून की लिया है, ज़्यादा नहीं लिया ताकि मैं कस्टर्ड का पूरा इम्पैक्ट ना आए। और इसमें अब मैं डाल दूँगी चीनी, ये मैंने आधा कटोरी चीनी दी है और मैं इसमें अब डालने जा रही हूँ इलायची पाउडर सारी फील देने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी तैयार है इंस्टेंट रबड़ी। पर इसमें आपको बहुत ज़्यादा ये ख्याल रखना पड़ेगा कि जब दूध पूरा हाफ हो जाए, जितना भी प्रोपोर्शन आपने लिया है उसके हाफ हो जाने के बाद आपको ये कस्टर्ड और मिल्क पाउडर ऐड करना है टू मेक दिस इंस्टेंट रबड़ी। हे फ्रेंड्स, अब मैं ये ब्रेड पे हल्का हल्का बटर लगा लूँगी। इस पर मैं आई प्रेफर पुटिंग सॉल्टेड बटर बिकॉज थोड़ा सा मीठा और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा लगता है। सो मैं थोड़ा सा सॉल्टेड बटर लगा रही हूँ इस पर। अच्छे से आप लगा लीजिए ताकि ये ब्रेड जो है दोनों तरफ से लगा लें, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए और फिर आप इसको सेकने के लिए पैन पे रख दीजिए। तो ये मैंने पैन पे सेकने के लिए ये ब्रेड पीसेस रख दिए हैं। अब ये अच्छे से सिक जाएगा, तब तक मेरी एक तार की चाशनी यहाँ तैयार हो रही है, इसको थोड़ा देर और लगेगा और ये अब ब्रेड सिक रही है। हे फ्रेंड्स, अब ये एक तार की चाशनी जो है वो रेडी है। ये देखिए, ये एक तार की चाशनी है, ये रेडी हो चुकी है। और अब जो है वो ये प्रोसेस होगा कि नॉर्मली तो शाही टुकड़ा में ब्रेड को तलते हैं, बट बिकॉज आजकल लोग कैलोरी कॉन्शियस है, सो अब इसको मैंने ब्रेड को सेक लिया था बटर लगा के, और इसको अब मैं ये वाली चाशनी से एक एक निकाल रही हूँ। थोड़े गर्म में ही निकालती हूँ ताकि ये पूरी तरह अब्सॉर्ब हो जाए इसमें। हे फ्रेंड्स, अब मैंने ये ठंडी रबड़ी फ्रिज से निकाल ली है और ये ठंडी रबड़ी को मैं इस पे डाल के अरेंज कर दूँगी। और देखिए कितने ब्यूटीफुली ये ब्रेड बन गई है। और ये ठंडी ठंडी फ्रीज़र से मैंने रबड़ी जो है ये निकाल दी है और मैं वन ऑन वन अब ये ब्रेड पे
डाल रही हूँ। ये बहुत ही यम्मी बन गई है रबड़ी। मैंने आपसे जैसे कहा था, यदि आपको इंस्टेंट बनानी हो तो इसमें पहले दूध को आधा घटा के फिर उसमें आप थोड़ा सा मिल्क पाउडर और एक आधा चम्मच कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर दीजिए तो वो सेम इम्पैक्ट आता है। इट्स बिकमिंग सो ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, ये मैंने डाल दिया है और इस पे अब मैं थोड़ा सा, बिकॉज रॉयल है, केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ। तो इसमें फ्लेवर्स बहुत डिफरेंट तरह के आएंगे, तो ये मैंने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस इस पे डाल दिया है और अब मैं, बहुत ही फ्रेशनेस वाले फ्लेवर्स आ रहे हैं। अब मैंने ये जो केसर था, वो केसर इस पे, केसर मिल्क जो था वो थोड़ा सा मैं फैला रही हूँ इस पे। बहुत ही फ्रेशनेस और अच्छे फ्लेवर्स आ रहे हैं। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इस पे मैं थोड़ा सा पिस्ता और बादाम के पीसेस डाल रही हूँ। तो ये पिस्ता और बादाम के पीसेस इस पे मैं डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब पूरी तरह से रेडी हो गया है और फाइनल टचेस थोड़ा सा इलायची पाउडर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये फ्रेश गुलाब की पेटल्स हैं जो मैं इस पे डाल रही हूँ। और ये रेडी है हमारा इंस्टेंट शाही टुकड़ा। जो भी आपके गेस्ट आए, आप उन्हें खिलाएं, वो बहुत खुश हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितने जल्दी ये शाही टुकड़ा बन जाता है और बहुत ही इंस्टेंटली आप अपने गेस्ट से यदि सडनली आ जाए तो ये बहुत जल्दी बन जाता है और उतना ही रॉयल्टी देता है। विदाउट इवन आप ब्रेड को डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, हल्का सा बटर लगा के सेक लीजिए और ये रेडी है हमारा इंस्टेंट शाही टुकड़ा। आप अपने फ्रेंड्स को खिलाएं, खुद भी खाएं और जस्ट रॉयल्टी का फील लीजिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सोनिया गोज नेचुरल। बाय, टेक केयर।